लगातार चुनाव आ जाए तो पेट्रोल का दाम कम, डीजल का दाम कम, गैस का दाम कम, सीएनजी का दाम कम, पीएनजी का दाम कम, सारी चीजों में महंगाई कम। चुनाव बीत जाए तो पेट्रोल का दाम महंगा, डीजल का दाम महंगा, गैस के सिलेंडर का दाम महंगा, सीएनजी का दाम महंगा, पीएनजी का दाम महंगा, सारा कुछ महंगा करने में लग जाता। श्री संजय सिंह जी, धन्यवाद माननीय, आपने फाइनेंस बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। माननीय, मैं अवध के क्षेत्र से आता हूं, सुल्तानपुर से, उत्तर प्रदेश के, और वहां के अवधी के एक बड़े अच्छे कवि हुए रफीक सादानी साहब, उन्होंने अवधी में एक लाइन लिखी कि जब जब चुनाव आवत है भात मांगा पुलाव आवत है। भारतीय जनता पार्टी की हालत यही है माननीय, इनकी सरकार चुनाव आ जाए तो पेट्रोल का दाम कम, डीजल का दाम कम, गैस का दाम कम, सीएनजी का दाम कम, पीएनजी का दाम कम, सारी चीजों में महंगाई कम। चुनाव बीत जाए तो पेट्रोल का दाम महंगा, डीजल का दाम महंगा, गैस के सिलेंडर का दाम महंगा, सीएनजी का दाम महंगा, पीएनजी का दाम महंगा, सारा कुछ महंगा करने में लग जाते हैं। इसका मतलब महंगाई से कोई आपका गोपनीय समझौता है माननीय, कोई गोपनीय समझौता है। जब चुनाव आता है आप कहते हैं थोड़ा दूर हो जाओ, जैसे ही चुनाव खत्म होता है कहते हैं आओ हम तुम्हें बढ़ा रहे हैं, आओ तुम्हें बढ़ा रहे हैं। इस गोपनीय रिश्ते का खुलासा कीजिए। आप लोग ये जो झूठे तर्क देते हैं देश के सामने कि भाई इस समय तो युद्ध की स्थिति है, इस समय तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम पिछले 7 वर्षों में कब कब बढ़ा और कब कब घटा, और उसके मुताबिक कब कब आपने हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का दाम घटाया और बढ़ाया, इसका तथ्य अगर आप सामने रखेंगे तो पूरे देश के सामने आपका चेहरा काला हो जाएगा कि कितना बड़ा झूठ आप इस देश की जनता से बोलते हैं। महंगाई आपको बढ़ाना होता है उसके लिए 1000 तर्क आपके पास मौजूद है। दूसरी बात, अभी तो शुरू हुआ फिर से बोलना शुरू कर देते हैं लोग, इनको महंगाई बढ़ाना है सुनना कुछ नहीं है। दूसरी बात माननीय, जब कोरोना की महामारी आई, पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक के कहा हमने मनरेगा के जरिए रोजगार दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा हमने मनरेगा के जरिए रोजगार दिया। भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्य सरकारों ने कहा हमने मनरेगा के जरिए रोजगार दिया। और जैसे ही कोरोना खत्म हो गया, लोगों को रोजगार की अभी आवश्यकता है, आपने मनरेगा का बजट घटा के 98,000 करोड़ से घटा के 73,000 करोड़ कर दिया, उसमें भी 18,000 करोड़ रुपए पुराना बकाया देना है। 54,000 करोड़ रुपए आपने मनरेगा का बजट कर दिया, मनरेगा का बजट आप घटा रहे हैं। और मनरेगा में आपकी स्थिति क्या है, यह आपका दिया हुआ जवाब है, मेरा जवाब नहीं है सर। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है, आंध्र प्रदेश में औसत 30 दिन, अरुणाचल में 47 दिन, आसाम में 22 दिन, बिहार में 36 दिन, छत्तीसगढ़ में 29 दिन, गोवा में 19 दिन, ऐसे ऐसे करके मध्य प्रदेश में 31 दिन। साल में मात्र 31 दिन, 30 दिन, 20 दिन आप रोजगार दे पा रहे हैं मनरेगा के जरिए, जिसका आप पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने मनरेगा के जरिए बहुत रोजगार देने का काम किया। इसके साथ साथ नौजवान बेरोजगारों की अगर हम बात करें माननीय, हर क्षेत्र में ठेका प्रथा इन्होंने लागू कर दी, नौकरियां देने के बजाय आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा। और यह ठेका प्रथा एकमात्र कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का जरिया है। 50,000 रुपए में, 25,000 रुपए में, 30,000 रुपए में, 20,000 रुपए में साइन कराया जाता है, और जो मजदूर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो ठेके पे काम करने वाले नौजवान होते हैं, उनको 50% से भी कम पैसा दिया जाता है। यह होता है ठेका प्रथा। ठेका प्रथा एक गुलामी प्रथा है माननीय, इसलिए जो ठेका प्रथा पे लगे हुए लोग हैं उनको रेगुलराइज कीजिए। और इस ठेका प्रथा के जरिए
हिंदुस्तान के तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर जहां दलितों के लिए आरक्षण है, जहां पिछड़ों के लिए आरक्षण है, हमेशा से आपकी दलित और पिछड़ा विरोधी जो मानसिकता है उसके कारण से आप इस ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण धीरे धीरे करके सारे विभागों में आप खत्म करते जा रहे हैं। दूसरी बात मान्यवर, काला धन की बात अगर हम कर लें, आप ढिंढोरा पीटते थे 300 लाख करोड़ काला धन आएगा, 50 लाख करोड़ काला धन आएगा। आपके राज में काला धन आना तो दूर की बात है, काला धन बढ़ गया, काला धन बढ़ता जा रहा है आपके राज में। कौन कौन से लोग हैं उसका भी खुलासा कीजिए, किसका काला धन है जो बढ़ा है, बीजेपी के नेताओं का है कि उद्योगपतियों का है कि अधिकारियों का है कि कर्मचारियों का है, किसका काला धन है, कहां से काला धन बढ़ गया, इसका खुलासा कीजिए। काला धन के नाम पर आपने इस देश की जनता को गुमराह किया। लोग आज भी मान्यवर 15 लाख की राह लगाए हुए कि उनके खाते में 15 लाख आएगा, उनके खाते में 15 लाख आएगा। 15 लाख छोड़ दीजिए, 2 करोड़ रोजगार की बात आपने कही, रोजगार आप खत्म करते जाते हैं। रेलवे की भर्ती का जिक्र मैंने किया था मान्यवर, दौड़ा दौड़ा के आप नौजवानों को पीटते हैं, FIR कराते हैं, मुकदमे कराते हैं, रोजगार उनको देते नहीं। NPA का जिक्र भी विनय विश्वम जी कर रहे थे, 10.5 लाख करोड़ रुपए का NPA चंद पूंजीपतियों का है मान्यवर, और 10.5 लाख करोड़ रुपए के NPA में आपके बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति जो आपके मित्रों हैं, जिनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेहुल भाई, वो मेहुल भाई 20,000 करोड़ रुपए लेके हिंदुस्तान से भाग जाते हैं, 2900 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके भाग जाते हैं, 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके भाग जाते हैं, नीरव मोदी हिंदुस्तान से 1,000 करोड़ लूट के भाग जाते हैं। तो मैंने तो इस प्रस्ताव दिया था और आज इस सदन में आपके माध्यम से मान्यवर मैं कह रहा हूं कि 50 करोड़ से ज्यादा जिस भी उद्योगपति या पूंजीपति का बकाया हो उसका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए, वो हिंदुस्तान छोड़कर भागने नहीं पाएगा। अगर वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग रहा है तो इसका मतलब लूट में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है, उसको भगाने का काम आप करते हैं, उसको भगाने का काम करते हैं। एक गरीब आदमी मान्यवर 10,000 रुपए का अगर कर्जा ले ले तो उसका कॉलर पकड़ के आप हवालात में बंद कर देते हैं। एक किसान अगर 20,000 का कर्जा ले ले उसका कॉलर पकड़ के आप उसको जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन 20-20 हजार करोड़ रुपए, 10-10 हजार करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, आज तक वो हिंदुस्तान नहीं आ पा रहा है। तो ये पूंजीपतियों के साथ लूट और लूट के बाद उनको भगाने का जो धंधा चल रहा है, इसको रोकने का एकमात्र तरीका है 50 करोड़ से ज्यादा जो भी कर्जदार हैं उनके पासपोर्ट आप जब्त करने का काम कीजिए। मान्यवर यहां बताया गया हमने ये कर दिया, हमने शिक्षा में ये किया, हमने स्वास्थ्य में ये किया। 130 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का शिक्षा का बजट मात्र 2%, 130 करोड़ आबादी वाले मुल्क का स्वास्थ्य का बजट मात्र 2.3%। अभी एक खबर आई है मान्यवर, 1 अप्रैल से 800 दवाओं का दाम आप बढ़ाने जा रहे हैं, 800 दवाओं का 10.5%, 10.7%, 800 दवाओं का दाम आप बढ़ाने जा रहे हैं, और उसमें तमाम दर्द की दवा है, पैरासिटामॉल जैसी दवा है। तो आप अशिक्षा से दर्द देते हैं, स्वास्थ्य की बदहाली से दर्द देते हैं, बेरोजगारी से दर्द देते हैं, किसानों को दर्द देते हैं, माताओं बहनों को दर्द देते हैं। अरे कम से कम दर्द की दवा तो सस्ती कर दो, दर्द की दवा भी महंगी करते जा रहे हो, दर्द भी देते हो, दर्द की दवा भी महंगी करते जा रहे हो। तो मान्यवर मैं तो इनसे यह कहना चाहता हूं कि आपने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने अभी दिल्ली का बजट पेश किया, अरविंद केजरीवाल जी के बजट को देखिए, 22% शिक्षा पे खर्च किया, 13% स्वास्थ्य का बजट है, ट्रांसपोर्ट पर, रोड पर 13% का बजट। दिल्ली की सरकार मान्यवर जब आई थी तो 30,000 करोड़ का बजट था, आज 75,000 करोड़ का बजट दिल्ली की सरकार ने पेश किया, 2.5 गुना बजट बढ़ाने का काम किया, एक ईमानदार सरकार चला के दिखाई। अरविंद केजरीवाल जी को गाली गलौज करना छोड़ दो, इनकम टैक्स अफसर है, बुला के बैठा लिया करो, साथ में कुछ सिखा देंगे बजट कैसे बनता है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे। और बिजली पे मान्यवर जिसपे सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं लोग कि अरे दिल्ली वाले तो फ्री बिजली पा रहे हैं, फ्री बिजली पा रहे हैं, फ्री बिजली पा रहे हैं,
बिजली का बजट मालूम है आपको? मात्र 4%, मात्र 4% बजट में दिल्ली की जनता को हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करते हैं। सीखो कुछ अरविंद केजरीवाल से, सीख लो आप लोग। और आप लोग क्या करते हो? फिल्म के पोस्टर पे राजनीति कर रहे हो, फिल्म के पोस्टर पे राजनीति कर रहे हो। मैं तो मान्यवर इनके आपके जरिए इनके इनसे मांग करना चाहता हूं, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर मजाक करना और राजनीतिक ड्रामा करना बंद कीजिए और इस बजट में प्रावधान कीजिए कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार खर्च करेगी, प्रावधान कीजिए। और मैंने तो प्रस्ताव रखा था सारे सांसद अपने एक साल की निधि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए लगाएं। आप राजनीति कर रहे हैं और यहां विनय सहस्त्र बुद्धे साहब बैठे हुए हैं, आपकी भाषा सुनता हूं मैं बड़ा प्रभावित होता हूं सर आपसे, आपकी भाषा सुनकर मैं बड़ा प्रभावित होता हूं। आदरणीय शुक्ला जी बैठे, अरे थोड़ा ये भाषा, ऐसे बोलने की भाषा अपने नेताओं को सिखाइए। खत्म कर रहा हूं सर, हो गया। इनके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, नहीं, ऐसे नहीं, यही संस्कार सीखते हैं आप लोग। वो गाली दे रहे हैं निर्वाचित मुख्यमंत्री को सर, निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, यही संस्कार सिखाते हैं आप लोग। आरएसएस की शाखा में यही संस्कार सिखाया जाता है, 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गाली दी जा रही है सर, इनका प्रदेश अध्यक्ष गाली दे रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये गाली गलौज करने वाले लोग हैं, ये नफरत और झगड़ा फैलाने वाले लोग हैं, ये देश को बांटने वाले लोग हैं। आज भारत हंगर इंडेक्स में 101 स्थान पे पहुंच गया, भूख के मामले में 101 स्थान पे आपने भारत को पहुंचा दिया। खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं। और हैप्पीनेस के इंडेक्स में 136 नंबर पे भारत को आपने पहुंचा दिया। किसी को खुश नहीं रखते आप, सारा वर्ग दुखी आपसे, किसान दुखी, नौजवान दुखी, माताएं बहनें दुखी, व्यापारी दुखी, पूरे हिंदुस्तान को आपने दुखी कर रखा है। क्योंकि आपकी सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, नौजवानों की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।